अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आइसोसेलस ट्राइंगल वो होता है जिसकी ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो इक्वल होते हैं, ये होता है आपका आइसोसेलस ट्राइंगल। ये आपसे कह रहा है कि आपने एक आपके पास आइसोसेलस ट्राइंगल है, उसका जो वर्टिकल एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री। ये चीज़ बन रही है, ठीक है, ये बन रही है पूरी टोटल 120 डिग्री वर्टिकल एंगल, सही। एक मिनट, इसको यहाँ पे मैं अगेन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि बीच में जो है वो लाइन अभी फ़िलहाल हम नहीं ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल बन रहा है इसका वो बन रहा है 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके दोनों साइड जो है वो इक्वल होने चाहिए। थोड़ा सा मेरा इस साइड से बड़ा, इस साइड से छोटा आ गया, ठीक है। अच्छा, उसकी जो बेस की लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है इसकी पूरी जो लेंथ है ये है वो 40 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपका क्या होता है? ये जो इसके साथ बिल्कुल सीधा बनता है ना वो एल्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अब ये देखिए, बीच यहाँ से तो 120 बन रहा है एंगल, वर्टिकल एंगल। अब यहाँ पे जब मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये देखिए दो एंगल बन गए, सही। तो अब यहाँ पर जो है ये जो है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूँगी ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, आपने सिर्फ हाफ ट्राइंगल का जो है वो हाफ ट्राइंगल को कंसिडर करना है, यहाँ सिर्फ जो आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि देखिए, यहाँ पे 120 डिग्री जो है वो इन दोनों का एंगल बन रहा है, हमें सिर्फ इसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका हम कर देंगे हाफ, ये हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री बचेगा क्योंकि 120 का हाफ 60 होता है और यहाँ पे भी 160 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इसको बीच में से अलग किया तो इसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 40 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको अलग कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया 20 और यहाँ पे भी हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमारी मर्ज़ी, हम इसको यहाँ पे नाम दे देंगे डी का। अब हमारी मर्ज़ी, हम या तो इसको कंसिडर कर लें या हम इसको कंसिडर कर लें, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो नहीं है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखिए 90 बन रहा है और यह 60 बन रहा है, तो अगर हम 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 30 बचेगा। तो हम यहाँ पर जो है 30 लिख देंगे तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है, सही। तो बेसिकली हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये वाला ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। इसका 30 डिग्री हो जाएगा एंगल, इसका ऑलरेडी 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री बन रहा है, सही। इसकी जो बेस है वो है आपके पास 20 मीटर्स है, हाँ 20 सेंटीमीटर है। देन हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया ए, सी ऑलरेडी था और यहाँ पे डी था, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसिडर ट्राइंगल ए सी डी, वेयर। अच्छा, हम जो एंगल फाइंड आउट, जो रेशो फाइंड आउट करेंगे ना, उसके लिए हम इसको कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो है बेसिकली ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, यह है परपेंडिकुलर या फिर लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसके सामने वाला ही ऑल्टीट्यूड में आ रहा है, इस वजह से हमने वाले एंगल को कंसिडर करना है, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अब बताइए, मेरे पास आ गया है बेस एंड परपेंडिकुलर, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए के सामने वाला स्मॉल ए हो जाएगा, डी के सामने वाला स्मॉल डी हो जाएगा, सी के सामने वाला स्मॉल सी हो जाएगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं कौन सा रेशो लगा सकती हूँ? मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है। तो मैं लगाऊँगी यहाँ पर टेन थीटा, थीटा आपके पास है 30 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए। परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है जो कि है ए, एज इट इज़ लिख दिया है, और बेस जो है आपके पास है 20, सही। टेन 30 की वैल्यू आपके पास होती है, टेबल में से मैं देखूँ तो 1√3 होती है, ए अपॉन 120 एज इट इज़ रह गया। यहाँ पे जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और √3 का आंसर आ जाएगा 1.73, ठीक है। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.55, ठीक है। यहाँ पे मैं यूनिट कैसे लिखूँगी? यहाँ आपने देखना है जो यूनिट किस में गिवन था, सेंटीमीटर में गिवन था। अगर यहाँ सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख देंगे। तो आप लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज़ 11.55 सेंटीमीटर।